आप चुनाव प्रचार में हैं लखनपाल जी के साथ, कैसा रिस्पांस जनता का मिल रहा है सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर, बहुत ही अच्छा जी। सर भाजपा के दो कैंडिडेट हैं, आप किसको चुनौती मानते हैं, किसके साथ टक्कर मानी जा रही है? देखिए मैं पहले तो बात टक्कर का कोई इशू है नहीं कांग्रेस कैंडिडेट के लिए। मैं समझता हूँ कि टक्कर तो माया के साथ ही होगी, भाजपा के साथ ही होगी। लेकिन सर दूसरी तरफ संजीव शर्मा भी भाजपा से ही नाराज हैं और आजाद लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि माया शर्मा से ज्यादा लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लखनपाल जी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। नहीं, अगर उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं तो भाजपा के ही वोटों को तोड़ेंगे ना वो, तो कांग्रेस के वोटों को थोड़ी डैमेज करेंगे। ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा कि वो अगर है तो वो कैडर तो बीजेपी का ही है ना उनका, चाहे वो आरएसएस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हिंदू परिषद है, हूसोएवर, लेकिन डिवीजन तो उन्हीं के वोट का होगा ना। सर डटवाल क्षेत्र एक तरफ चल रहा है संजीव शर्मा के साथ, क्या कांग्रेस के वोट वहां पे टूटेंगे? नहीं, आप अभी डटवाल में बैठी हुई थी, अभी आपने जनसभा को देखा, आपने दंगोटा में नहीं थी, आपने वहां नहीं देखा, अभी आप चलिए वहां सर बैल में चलिए, आप वहां से अंकलने कहां है भाई? ये मैं हमारा अभी भी दावा है, ये 500 आदमी इकट्ठा करके बता रहे हैं कहीं ऐसा नहीं है, ठीक है उनकी वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है उनमें आपस में दोनों में, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का कैंडिडेट पूरे जिला हमीरपुर में इस वक्त नंबर वन पर जो है वो चला हुआ है, सो फॉर बटसर सेगमेंट इज कंसर्न। सर जिला अध्यक्ष को बदला गया है चुनावों के बीचों बीच, कितना नुकसान आप समझते हैं इससे भाजपा कांग्रेस को होगा सर? आपने मेरे से क्यों पूछा ये प्रश्न, ये तो उसी से पूछना चाहिए था कि आपको क्यों बदला है जी। लेकिन सर बदला है, आप भी कार्यकर्ता हैं पार्टी से, पुराने जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनावों के बीच एकदम से अध्यक्ष बदलना कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा पार्टी को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो परिस्थितियाँ इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें काय को आप खींचतानी कर रहे हैं हमारी, उसको रहने दीजिए, वो जैसे वो है वैसे ठीक है। अगर बदल दिया पार्टी हाईकमान में तो उसका कोई ज्यादा फर्क कांग्रेस को पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्या सवाल सर वही है कि कांग्रेस का दूल्हा कौन होगा? देखिए मैडम, आपने देखो हमारे जो मैं कांग्रेस का महामंत्री हूँ स्टेट का, अभी मैं दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास एक दूल्हा नहीं है, बहुत सारे दूल्हे हैं हमारे पास। सवाल सर वही है कि इतने सारों में कौन जो होगा, किसके सहरा चढ़ेगा? देखिए आपको बता रहे हैं, बता देता हूँ मैं, आपने डिटेल में बताया तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास रानी साहबा है, प्रतिभा सिंह जी है, वो पार्टी प्रेसिडेंट भी है, 3 बार रही है, वो सशक्त उम्मीदवार हैं। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत सी सशक्त जो 6-7 बार विधायक रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, थ्रो ठाकुर कौल सिंह जी हैं, बहुत ही वकील हैं, लॉयर हैं, एक्सपीरियंस है, पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 4-5 साल स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं, इज वेरी एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर सुखविंदर सिंह सुखू हैं, ही इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, वो भी एक बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के, वो यूथ कांग्रेस के भी प्रेजेंट रहे हैं, NSY के भी प्रेजेंट रहे हैं, स्टेट कांग्रेस पार्टी के भी प्रेजेंट रहे हैं, तो हम वो हैं। फिर उसके बाद एक और है हमारे पास, मुकेश अग्निहोत्री हैं, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, सो फॉर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इज कंसर्न। तो कांग्रेस के पास दूल्हों की कमी नहीं है, दूल्हों की कमी अब भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वो उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर थोड़ी थे, 2017 में डिक्लेयर कैंडिडेट थोड़ी थी, डिक्लेयर कैंडिडेट तो और थे, तो ही लॉस द इलेक्शन। तो ये जा रहा हूँ, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है इस वक्त है भाजपा की तरफ से, ही इज ए एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, ही इज नॉट ए चॉइस ऑफ पब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ही इज ए एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, थैंक यू।